हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम फैक्टोरियल की बात करें ताकि वो कॉन्सेप्ट समझने में और पढ़ने में आपके लिए आसानी रहे। तो फैक्टोरियल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय एन फैक्टोरियल। फॉर इंस्टेंस आपके पास 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हमने ये कहा कि ये नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है और आप फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 5 से पहले इंक्लूडिंग 5 आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास उस डिजिट का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे कि 5 के फैक्टोरियल में हमने 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस तरह से मेंशन कर रहे होंगे। इसी तरह अगर आपके पास 7 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल को आप रिप्रेजेंट करेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 6 × 5 फैक्टोरियल, क्योंकि जब आप 5 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये सारे एलिमेंट 5, 4, 3, 2, 1 ये सब के साथ इसमें शामिल आ चुके हैं। अब कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि हमने ये कहा कि नेचुरल नंबर में यूज़ होता है, तो अगर आपको किसी माइनस अमाउंट के लिए फैक्टोरियल निकालने का बोला जाए तो यू कैन नॉट कैलकुलेट, और इसको आप कहेंगे कि ये नॉट डिफाइंड है। इसी तरह आपके पास अगर कोई वैल्यू आती है डेसिमल्स में जो कंटिन्यूस वेरिएबल है तो वहाँ पे भी आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन वन मस्ट बी रिमेंबर डेट अगर आपके पास 0 फैक्टोरियल है, जब आप फार्मूला यूज़ करेंगे फार्मूला में जाएंगे तो वैसे तो हमारी ये कंडीशन होती है कि r मस्ट बी लेस देन n, लेकिन बास केसेस में r और n इक्वल भी आ सकते हैं तो वहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 0 आ सकता है। तो 0 के केस में आपको जो चूज 0 फैक्टोरियल जो है डेट इज़ इक्वल टू 1, ये यूनिवर्सल रूल है और प्रूफ भी है, लेकिन हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। अब परम्यूटेशन और कम्बिनेशन क्या चीज़ है? परम्यूटेशन को अगर हम सादा अल्फाज में बयान करें तो ये अरेंजमेंट होता है, और कम्बिनेशन जो है वो सिलेक्शन या चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो एक सेट में 2 डिजिट हैं और इनको हम कंबाइन करके 2 डिजिट नंबर बनाना चाह रहे हैं कोई, तो हमारे पास क्या होगा, या तो हम 2 पहले रख लें 3 बाद में रखें, या फिर हम ये करेंगे 3 पहले रख लें 2 बाद में रखें। इन दोनों वैल्यू को अगर आप देखें तो क्या ये सेम है? जब हम 2-3 को देखते हैं तो ये 23 है, जब हम 3-2 को देखते हैं तो ये 32 है। इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आ गया है इनकी तरतीब आगे पीछे करने से। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास यहाँ पे 1 और 9 होता तो हमारे पास बनना था 19 और 91, दोनों की जो अमाउंट है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इस जो परम्यूटेशन है उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसकी अमाउंट या वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाएगी। जब आप कम्बिनेशन के केस में देखते हैं, कम्बिनेशन में हमने कहा कि ये सिलेक्शन या चॉइस है। अगर आपने कोई टीम सेलेक्ट करनी है 2 लोगों की और आपके पास ऑप्शन है तीन प्लेयर्स की, एक अली है, उस्मान है और उसाम है, अब आप 2 प्लेयर या तो अली को पहले बुला लें इंटरव्यू के लिए, उसामा को बाद में बुलाएं, या उसामा को पहले बुला लें इंटरव्यू के लिए और अली को बाद में बुलाएं और इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, तो क्या इन दोनों की टीम में कोई फर्क पड़ा? एक टीम में टीम ए जो है उसमें भी अली और उसामा है, टीम अगर हम बी इसको हम टीम बी ले लें तो टीम बी में भी उसामा और अली है, तो टीम का स्ट्रक्चर या टीम के प्लेयर तो वही रहे हैं, उनकी वो आगे पीछे हो जाए उससे टीम पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम ये देख इसमें ऑर्डर का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। अब इनके जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली एग्जाम में हमें जो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं उन स्टेटमेंट में आपने ये नोट करना है कि वो स्टेटमेंट लिखी कैसे हुई है। अगर तो स्टेटमेंट लिखी हुई है हाउ मैनी वेज आर अरेंजमेंट्स, इस तरह के वर्ड यूज़ हुए हैं, तो फिर वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन होगा। और अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह से मेंशन है हाउ मैनी चॉइसेस आर सिलेक्शन यू कैन मेड, तो वो आपका कम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। इसके अलावा हम इसको ज़रा डिटेल में आगे फ्यूचर स्लाइड में भी देख लेंगे। अब आपको कम्बिनेशन या परम्यूटेशन या स्टैटिस्टिक इवन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो कार्ड ऑफ फेयर कार्ड ऑफ डेक है उसको आप समझें। तो ये हमारे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं एक कार्ड डेक में, उस 52 में जो 26 हैं वो रेड होते हैं, 26 जो है वो ब्लैक होते हैं,
जो आपके फर्स्ट कार्ड होता है नंबर फर्स्ट का, उसको आप एक कहते हो। उसमें आपके पास ये जो साइन है ये हार्ट का है, हार्ट का साइन है ये, आपके पास यहाँ पे आपके पास डायमंड है, उसके बाद आपके पास स्पेड है और क्लब है। इसी तरह जब आप 11, 12 और 13 की बात करते हैं तो आपके पास डायमंड में एक हार्ट में जैक होता है, एक डायमंड में जैक होता है, क्वीन आपके पास हार्ट में है और डायमंड में, किंग आपके पास हार्ट में है डायमंड में है। इसी तरह ब्लैक में भी दो जैक हैं, दो क्वीन है, दो किंग है, और इसी तरह आपके पास दो एक हैं ब्लैक में और दो एक हैं आपके पास रेड में। ये पैटर्न आपने इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो नॉर्मली कलर को लेके दिए जाते हैं या फिर टेक्निकल जॉगन्स यूज़ किए जाते हैं, तो आपको तो जब तक ये नहीं पता होगा कि टोटल क्या कितने आपके पास कार्ड्स हैं और उसमें से किस कार्ड को क्या कहते हैं, तो मे बी आपको उसका आंसर करने में थोड़ी मुश्किल हो। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल नाउ। अब जो कम्बिनेशन वो हमने बात की थी सिलेक्शन की, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता इन पोकर। अब पोकर ये होता है कि आप पांच उंगलियों से जो पांच कार्ड निकालते हैं एक ताश के उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसको आप पोकर का नाम देते हैं। अब आपने एक पोकर लिया, एक अपने हाथ से पांच कार्ड निकाले, वो कार्ड आपके पास कौन से हैं? एक रेड आपके पास डायमंड है, उसके पास एक रेड हार्ट है, क्लब कार्ड है, और आपके पास दो जो है वो स्पेड है। तो अगर हम इन पांच को इस तरतीब से लिख दें, यानी आप स्पेड के को पहले लिखें, फिर टेन आपके पास स्पेड है, फिर क्लब है, फिर आपके पास फाइव हार्ट है, ए डायमंड है, तो आप इस अरेंजमेंट में लिखें या इस अरेंजमेंट में लिखें, दोनों केसेस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कम्बिनेशन में अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा होता। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, और जो r की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आर एंड लेस देन आर इक्वल टू n। ये हम अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। हाउ मेनी डिफरेंट पोकर्स हैंड्स आर देयर। पोकर्स जैसे हमने पहले बात की कि पांच कार्ड आप निकालते हैं एक ही टाइम में, तो उसको आप पोकर कह रहे होते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो आर होगा वो फाइव होगा, और टोटल जो हमारे पास आउटकम है वो 52 है, क्योंकि जो ताश है एक उसके पत्ते जो हैं वो 52 होते हैं। तो आप उस पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे n फैक्टोरियल जो कि टोटल है 52, r फैक्टोरियल जो कि इस केस में पाँच है, पोकर का मतलब है कि पाँच आप कार्ड एट अ टाइम उठा रहे हैं। इसी तरह n माइनस आर 52, n हमारे पास क्योंकि 52 है माइनस r, तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब ये जो आपने 52 है इसको एक्सपेंड उस तक हद तक करना है जब तक आपके पास सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ना हो। इसमें आपके पास देखें एक लार्जेस्ट नंबर है 52, उसके बाद जो लार्जेस्ट नंबर है डेट इज 47। बजाय इसके कि आप ये करें 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 40 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 48 इंटू 30 इंटू सो एंड अंटिल 1, तो आप ये करेंगे कि जहाँ पे आपका सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो डिनोमिनेटर में लार्जेस्ट नंबर है वो आप पहुँच जाएँ, वहाँ पे आप स्टॉप कर दें। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 47 इस 47 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको उसकी लेंथ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह जो 5 फैक्टोरियल है उसको एक्सपेंड कर लें, और आपके पास ये टोटल अरेंजमेंट है। इतने वेज है कि पांच कार्ड आप इस 52 डेक ऑफ कार्ड से निकाल सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट इनिशियल ब्लैक जैक हैंड्स आर देयर। नाउ हमने जो एग्जांपल देखी थी, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ब्लैक जैक कितने हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आप देखें तो ब्लैक जैक कितने हैं, ब्लैक कलर में जैक, तो ब्लैक एक ये है आपके पास, एक ये है। अगर जैक तो यहाँ पे भी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये रेड में है, जबकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ ब्लैक जैक गिवन है। तो आपके इस केस में जो आर की वैल्यू होगी वो 2 होगी। यहाँ पे आप उसी तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे और आपके पास 1326 तरीके हैं जिससे आप ब्लैक जैक इस 52 डेक ऑफ कार्ड से निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन जैसे हमने पहले बात की, अरेंजमेंट का नाम है। अगर आपके पास एक सेट गिवन है ABC, अगर आप इस सेट को लिखेंगे CBA या BCA, तो ये डिफरेंट परम्यूटेशन कंसिडर होगी, ये इस सेट की सेम वैल्यूज कंसिडर नहीं होंगी। ये डिफरेंट वैल्यूज या इनका जो मतलब या इनकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। An R permutation is an order arrangement of R element of a set. The notation for the number of R permutation, the poker hand is one of the, अगर हम poker hand की एग्जाम्पल लें, अब इसमें आपने अरेंजमेंट मैटर, आपने अरेंजमेंट को मद्देनजर रखना है। पहले केस में हमने अरेंजमेंट मद्देनजर नहीं रखा था, हमने ये कहा था कि ये अरेंजमेंट या ये अरेंजमेंट, इन दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अभी हम ये कहेंगे कि ये अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट में दोनों में डिफरेंट है। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ और होगा, इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ और होगा। तो उस केस में आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो परम्यूटेशन का यूज करेंगे। और वो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है परम्यूटेशन एल आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन के केस पर हमने ये किया था कि इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हुआ था r फैक्टोरियल से, लेकिन परम्यूटेशन के केस में हम, क्योंकि ये ऑर्डर्ड है, इसमें ऑर्डर नहीं था, इसमें ऑर्डर है, तो जब आपके पास ऑर्डर होगा तो आप परम्यूटेशन यूज करेंगे। n क्या चीज़ है, सेट साइज द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द सैम्पल स्पेस। अब क्योंकि हम कार्ड ऑफ डेक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो 52 हैं, तो n हमारे पास 52 आएगा। सबसेट साइज, अब हमने यहाँ पे पोकर की बात की है, तो पोकर का मतलब ये था कि एक हाथ से पांच कार्ड उठाना। अब जो इस केस में सबसेट आएगा टोटल में से वो पांच आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर 5 पीपल इन दिस क्लास to give presentation, there are 27 students in the class. अब आपके पास जो n आएगा वो 27 आएगा, r आपके पास 5 है, तो आप जब इस पर फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला ये बनेगा 27 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 27 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट विल बी 27 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 22 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल से कट जाएगा, बाकी आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 9687600 मेथड है जिसके जरिए आप पांच लोगों को डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बोथ आर वेज टू काउंट द प्रोबेबिलिटीज, द डिफरेंस बिटवीन देम इज वेदर ऑर्डर और मैटर्स और नॉट। परम्यूटेशन में मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं कर रहा होता। और ये इसी एग्जांपल से बताया हुआ है कि अगर ये जो पोकर है इसमें और इसमें कोई फर्क ना किया गया हो तो इसको हम कॉम्बिनेशन कहेंगे, और अगर इन दोनों को डिफरेंट ट्रीट किया गया हो तो फिर इसको परम्यूटेशन कहेंगे। डज द ऑर्डर द कार्ड्स आर हैंडेड आउट मैटर्स, इफ यस देन वी आर डीलिंग विद परम्यूटेशन, इफ नो देन वी आर डीलिंग विद कॉम्बिनेशन।